कि नॉन सीरियस कैंडिडेट भी इसके लिए उम्मीदवार बन जाया करते थे। राज्यसभा और लोकसभा के जो भी MPs 5,43,231। तो अब बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश चौहान और आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही हमारे देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और ये चुनाव किस प्रकार किए जाते हैं उसी पर ये वीडियो बनाया गया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद का टेन्योर अब पूरा हो चुका है और साथ ही साथ देश में नए राष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट जो देश और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं और साथ ही साथ देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। लेकिन हम इसमें यह समझेंगे कि हम और आप प्रेसिडेंट को सीधे तौर पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट को कौन चुनता है और कैसे चुनता है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होता है। तो सबसे पहले उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी उम्र 35 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट्स होती है वही राष्ट्रपति बनने की भी रिक्रूटमेंट्स होती है। इसके लिए कम से कम 50 इलेक्टर ने एक व्यक्ति का नाम चुना हो, साथ ही साथ अन्य 50 इलेक्टर जो होते हैं उन्होंने इसका समर्थन किया हो, तभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं, राष्ट्रपति को 50 प्रपोजर यानी कि उनका साथ देने वाले और 50 सेकेंडर की जरूरत होती है। इस रूल को सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका रीजन ये था कि नॉन सीरियस कैंडिडेट भी इसके लिए उम्मीदवार बन जाया करते थे। तो आइए समझते हैं चुनाव की प्रक्रिया को। प्रेसिडेंट चुनाव के लिए वोट का अधिकार सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर को होता है, हिंदी में बोले तो निर्वाचक मंडल के सदस्य। तो आखिर ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होते कौन है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। संसद के दोनों सदन के राज्यसभा और लोकसभा के जो भी MPs और MLAs होते हैं वही इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर होते हैं। पहले हम बात करते हैं एक MLA के वोट कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली से, फिर जो वैल्यू आती है उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से एक MLA की वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ आपको बता दें हर राज्य के MLA की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक MLA की वोट वैल्यू होती है 208, महाराष्ट्र में एक MLA की वोट वैल्यू होती है 175, वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक MLA की वोट वैल्यू होती है 8। तो चलिए आइए इसको मैथमेटिकल जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास टोटल मेंबर्स होते हैं 4,809, जिसमें से कि 543 लोकसभा के MPs होते हैं और 233 राज्यसभा के MPs और साथ ही साथ 4,033 MLAs होते हैं। अब यहाँ एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, MPs और MLA की वैल्यूज अलग अलग तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन सभी MLA की ओवरऑल वोट वैल्यू होती है 5,43,231। तो अब बात करते हैं MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक MP की वोट वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MPs को टोटल वैल्यूज ऑफ MLAs के साथ डिवाइड करना होता है। अब ये तो बात हो गई वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर टोटल वोट वैल्यू कितनी होती है। तो टोटल वोट्स ऑफ MPs प्लस टोटल वोट्स ऑफ MLA यानी 5,43,200 प्लस 5,43,231 इज इक्वल टू 10,86,431 यानी कि जीतने के लिए चाहिए इस वैल्यू का 50%, जो कि हमारा होगा 5,43,261 वोट्स यानी कि 50% प्रपोजर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में हमारे देश के 15वें जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।